हेलो एस्पिरेंट्स एंड वेलकम टू ऑनलाइन तैयारी। तो आज ना हम एक बहुत ही जनरल सा एक डिस्कशन या एक सेशन ले रहे हैं, बहुत कैजुअल सा सेशन, जिसमें हम एक पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं। एज यू कैन सी आई हैव जॉटेड इट डाउन, हाउ टू स्टे मोटिवेटेड। दिस वर्ड मोटिवेशन आजकल वैसे भी इतना चलन में है भाई, कुछ भी करने से पहले या किसी भी चीज को करते हैं एक क्वेश्चन आता है दिमाग में, राइट? व्हाई भाई? कोई काम करने का अगर पर्पस नहीं है, आपको नहीं पता आप ये चीज क्यों कर रहे हैं, यू वॉन्ट विश टू डू इट, आपको करने में मजा नहीं आता भाई। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जब हम पढ़ते हैं और सवालों पर आते हैं तो नहीं समझ आता ना कि क्या है भाई। काफी बार ये स्टूडेंट्स मुझे बोलते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ लिया, जैसे ही सवालों पर आए सवाल में समझ ही नहीं आ रहा, बिकॉज जब हम वो कॉम्प्रिहेंशन पढ़ रहे थे वी डिडंट हैव एनी पर्पस, हमको यही नहीं पता होता कि हम उधर ढूंढ क्या रहे। इसलिए अब हम उल्टा प्रोसीजर अपनाते हैं, हम पहले क्वेश्चंस को देखते हैं, स्किम स्कैन करते हैं, ग्लांस लेते हैं और वापस कॉम्प्रिहेंशन पर जाते हैं, ताकि वी नो कि हम एक्चुअली व्हाट वी आर लुकिंग फॉर, हम क्या ढूंढ रहे हैं इस कॉम्प्रिहेंशन में। तो भाई अगर पर्पस नहीं है किसी चीज का तो मोटिवेशन आएगा ही नहीं, आप उस चीज को करने के लिए मोटिवेटेड रहेंगे ही नहीं, है ना? तो सबसे पहला पॉइंट हैव अ स्ट्रॉन्ग वाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तगड़ा रीजन होना चाहिए कि हम ये क्यों कर रहे हैं, राइट? तो जब आपको पता है क्यों कर रहे हैं, आपके पास एक प्लान है, राइट? तो भाई ये जो चीजें हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, वैसे भी यू फेस सो मच स्ट्रेस, इतना चीजें होती हैं। सी मैं एक पॉइंट बताती हूँ, कुछ हमारे स्टूडेंट्स हैं जिनके साथ अभी मेरे सेशंस रहे, पर्सनल इंटरेक्शन भी हुआ, और कुछ आप भी हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जो हमें मैसेजेस के थ्रू या कमेंट्स के थ्रू या मेल्स के थ्रू हमें अपना फीडबैक या अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। तो कुछ एक्सपीरियंस के थ्रू मुझे ऐसा पता लगा कि भाई ये हम यहाँ पर हैं, एक व्यक्ति इधर है, एक व्यक्ति इधर है, अब हम क्या कर रहे हैं, ये व्यक्ति जो है ये 5 से 7 साल हो गए भाई इसको प्रिपरेशन ही किए जा रहा है वो, हाँ तैयारी कर रहा है कॉम्पिटेटिव एग्जाम का, या आप कह लीजिए 2 से 4 साल हो गए और इसका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, जबकि ये व्यक्ति है जो भाई SBI बैंक में PO है, एक व्यक्ति हमारा दोस्त है जो SSC जेल में बड़ी अच्छी पोस्ट पर है, SSC में सेंट्रल गवर्नमेंट। अब आप क्या करते हैं, हम अगर यहां पर हैं तो हम इधर से और इधर से दोनों तरफ से हम नेगेटिव चीजों को अब्सॉर्ब करते हैं। कैसे? हम कह रहे हैं भाई इसका नहीं हो रहा, हमारा कैसे होगा, 5 साल से लगा ले कैसे, मतलब उधर से हम नेगेटिव चीज ग्रैब कर रहे हैं, इधर से भाई इनका हो गया हमारा नहीं हो रहा। तो ये जो एक जो रोना हम रोते हैं, ये जो नेगेटिव थॉट्स है जो हम हर जगह से, इधर से तो भी नेगेटिव, उधर से तो भी नेगेटिव, मतलब कोई अगर सक्सेसफुल भी है तो वी डोंट जस्ट टेंड टू चेरिश हिज स्ट्रगल जो वो कर दिया उसने उस चीज को पाने के लिए, हम सिर्फ ये देखते हैं अरे वो तो वहां पहुंच गया भाई, उसने भी तो हो सकता है 5 साल मेहनत की और तब वहां पहुंचा, या हो सकता है वो वन गो में पहुंच गया बिकॉज ही वॉज सो पैशनेट अबाउट दैट, राइट? तो भाई पैशन होना बहुत जरूरी है, ठीक है? अब तो ये नेगेटिव चीजों को, जो वाईफाई का सिग्नल होता है ना जो बाहर की तरफ फेंकता है, बस नेगेटिविटी को बाहर की तरफ फेंक दीजिए और सिर्फ सिर्फ पॉजिटिविटी होनी चाहिए। जितना ऑप्टिमिस्टिक आप रहेंगे आप उतना बेहतर कर पाएंगे, राइट? सो जस्ट मेक, मैंने एक वर्ड अभी यूज किया पैशनेट, राइट? बहुत एंथुजियास्टिक होना पड़ेगा, बहुत जीलस होना होगा, एनर्जी होनी चाहिए एक कि हाँ ये करना ही है, तभी आप उस चीज को ले सकते हैं। अब जब आपके पास किसी चीज को करने का कारण है, प्लान है, तो एक पॉइंट याद रखिए दैट हर्डल्स तो आएंगे, मुसीबतें तो आएंगी ही, बिकॉज कहते ना कि रातों रात जो सक्सेस होती है, या देयर इज नथिंग लाइक ओवरनाइट सक्सेस। लॉटरी नहीं लग जाएगी, लॉटरी के टिकट में नौकरी का लेटर नहीं होगा कि ये लीजिए आपको ऑफर लेटर और जॉब लग गई, ऐसे तो नहीं हो सकता, राइट? तो वो लॉटरी नहीं लगने वाली हमारी, हम कोई टिकट भी नहीं खरीद रहे, राइट? जैसे मैं कहती हूँ आपको, हम अभी तक ही इंग्लिश पढ़ते थे सिर्फ पास होने के लिए, अब क्यों पढ़ रहे हैं, एग्जाम में करियर बनाना है हमने, राइट? अब वो नहीं, अभी हम मार्क्ड इट अप, वी जस्ट गॉट, वी जस्ट वेंट एंड वी जस्ट
वॉमिट आउट, यू जस्ट स्प्लैश्ड इट. ऐसा नहीं है. अब क्या करना है, करियर है तो उसके लिए बिल्कुल अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी. तो हर्डल्स आएंगे भाई, ओवरनाइट सक्सेस नहीं मिल सकती, होता ही नहीं है ऐसा. स्ट्रगल करना ही पड़ता है. भले हो सकता है किन्हीं का स्ट्रगल पीरियड इतना होता है, किन्हीं का थोड़ा ज्यादा होता है, किन्हीं का बहुत लंबा होता है. बट यू नीड टू डिसाइड व्हेदर यू नीड टू ट्राई और यू नीड टू होल्ड ऑन. राइट, देखो बहुत बड़ा अंतर होता है ट्राइंग एंड होल्डिंग ऑन. देयर आर टू वर्ड्स, टू आई विल से ट्राइंग एंड होल्डिंग ऑन. अगर आप किसी चीज को पाना चाहते हो, आप खुद चाहते हैं, यू आर पैशनेट, आपको चाहिए वो चीज और आप उसके लिए निरंतर प्रयास कर रहे हो, परसेवेरेंस है आपके अंदर, वो ट्राइंग है, दैट इज ट्राइंग, यू आर ट्राइंग टू अचीव इट. लेकिन कोई ऐसी चीज है जिसको पाने के लिए लगे हो, बस यू आर ट्राइंग, यू आर जस्ट कंटिन्यूसली स्ट्रगलिंग टू अचीव इट, लेकिन आपके अंदर से वो है नहीं, कि आपको पता ही नहीं आप वो क्यों कर रहे हो, यू डोंट नो, दैट इज होल्डिंग ऑन. तो आपको अंतर साफ पता होना चाहिए था कि यू आर ट्राइंग और यू जस्ट होल्डिंग ऑन. नो दैट डिफरेंस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो ओवरनाइट सक्सेस ऐसा कुछ नहीं होगा, मुसीबतें होंगी, हर्डल्स होंगी. एग्जाम्पल ले लीजिए आप, एनी पर्सन जो सक्सेसफुल है आज, उधर ऐसा नहीं हो सकता कि उन्होंने रातों रात सक्सेस मिल गई हो. जैक मा, लुक एट हिम, यू सी रिलायंस इंडस्ट्री, यू सी नरेंद्र मोदी, बिगेस्ट एग्जाम्पल व्हाट ही वाज एंड नाउ व्हाट ही इज, एंड थ्रू दैट पीरियड, थ्रू द स्पैन जो उन्होंने यहां से यहां तक की जर्नी ली, उधर कितने हर्डल्स होंगे, क्या क्या उन्होंने झेला होगा, और एंड नाउ दैट ही इज हियर. राइट, रिलायंस इंडस्ट्री स्टार्टेड विद सच अ स्मॉल थिंग, जनरेटर्स का कुछ वो करते थे, राइट, और अब यू सी हर एस्पेक्ट में, वेयर एवर यू गो इन एवरी सेक्टर यू विल फाइंड देयर नेम, दैट इज रिलायंस अमंग्स, राइट, यू विल फाइंड दैट. रिसेंटली न्यूज में भी उन्होंने जैक मा को भी लिस्ट है रिचेस्ट पर्सन की, उधर ही इज टॉपिंग रिलायंस, दिस अंबानी मैन, ही इज द टॉप नंबर ऑन दैट लिस्ट. तो भाई With this, यहां से यहां आने में समय लगता है, मेहनत भी लगती है, राइट, यू हैव टू वर्क हार्ड. तो ओवरनाइट सक्सेस भाई, एक स्टूडेंट और है अभी जिन्हों से मैं मिली, हमारे स्टूडेंट का ऐसा, वो बहुत मेहनती है, ही इज लाइक, ही इज सो हार्ड वर्किंग दैट यू कैन जस्ट नॉट इमेजिन. वो दिन भर भी पढ़ सकते हैं, रात भर पढ़ सकते हैं, इतने मेहनती है, लेकिन उन्हें सक्सेस क्यों नहीं मिल रही. 3 साल हो गए उनको कम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो, लेकिन वो हर बार कहीं ना कहीं चूक रहे हैं. गलती उनकी ये है कि जब हमने उसका पूरा सिनेरियो एनालाइज किया, मैंने और प्रशांत सर हमारे, जब हमने एनालाइज किया तो हमने देखा कि वो सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पा रहे, बिकॉज वो एक ही चीज को बार बार स्ट्राइव कर रहे हैं. अगर आप स्ट्राइक एक ही चीज को करोगे तो आप को ये नहीं समझ आ रहा कि आप कहाँ गलत जा रहे हो, आप बस स्ट्रगल करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, नो वेयर यू आर गोइंग रॉन्ग, फिर उस पर काम करके आगे बढ़े, बिल्कुल सक्सीड होंगे आप. हो ही नहीं सकता, बिल्कुल मिलेगी. आप सब वो एक लाखों लोग हैं जो कम्पिटेटिव एग्जाम देते हैं, वेदर इट्स बैंकिंग, SSC, रेलवे, दिस UPSC थिंग, एवरीथिंग, आप सब एक सीट के लिए स्ट्रगल कर रहे हो, सब एक सीट के लिए लड़ रहे हो फॉर दैट. क्यों नहीं मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी. जस्ट मेक इट लाइक, बी पैशनेट अबाउट दैट, राइट. फिर ये जैसे कि मैंने कहा, और आपको हर्डल्स तो लेने ही पड़ेंगे. देखिए स्टूडेंट्स, क्या होता है बेसिकली, व्हेनेवर सच थिंग्स हैपन, आपको सिर्फ एक पॉइंट याद रखना है, बिलीव इन योर विजन एंड मिशन. जो आप सोच रहे हैं, जो आप चाहते हैं और जो आप देख पा रहे हैं आगे अपने लिए फ्यूचर में, बिलीव इन दैट, यू हैव टू बिलीव. अगर बिलीव नहीं करेंगे तो फिर देखो, एक बात याद रखना, कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस नर्चर्स योर जर्नी टुवर्ड्स सक्सेस, आई मस्ट से. तो जो कॉन्फिडेंस होता है वही हमारी सक्सेस की तरफ जो जर्नी है या जो सक्सेस है उसको नर्चर करता है, उसको नरिश करता है. सो फॉर दैट यू हैव टू बिलीव, यू हैव टू बिलीव इन योरसेल्फ, राइट. सो बिलीव इन योरसेल्फ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इन योर विजन व्हाट यू लुकिंग फॉर एंड इन योर मिशन एज वेल, बिलीव इन योरसेल्फ, राइट. सो जब भी कुछ चीज करना चाहते हो, पढ़ने बैठ रहे, आई कैन डू इट, I can actually do it. You all can do it. सब मेहनत करते हैं, right? आप भी मेहनत कर रहे हैं, बस सही दिशा में, बिल्कुल, right? Now, also I would suggest कि हम कहते हैं,
दिलो दिमाग से काम करना चाहिए, दिल भी दिमाग भी, बिल्कुल सब कुछ. वर्क विद H3, H3 दैट इज हार्ट, हैंड्स एंड हेड. दिल दिमाग और सब कुछ, ये भी तो जरूरी है. लिखेंगे किससे, प्रैक्टिस किससे करोगे, राइट? तो गो फॉर इट. वर्क व्हेनेवर यू डू समथिंग, दिस इज फॉर सर्विस, राइट? तो हर एक चीज करनी है, राइट? गो फॉर इट. यू कैन श्योरली, आई अश्योर यू, व्हाई कांट यू डू दिस? यू कैन एक्चुअली डू दिस. जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ, राइट? So you have to, I know it is difficult to stay motivated when you see competitive world aisa hi hai. You see things like, aap sab dekhte hain, kuch log, kuch students aapko aake ghar pe bhi aisa ho jata hai kafi bari ki wo unka job lag gaya and you are here, right? Ye jo span hai 18 to 30 years ya main kahungi 35 years ke bhi students, तो आप सब जो ऑप्ट करते हैं examination, सबको कुछ ना कुछ फेस कर रहे होते हैं. आप पर्सनल लेवल पर भी कुछ स्ट्रेस होता है. Just try to make a margin, एक लाइन बना कर रखें कि वो चीज़ आपको अफेक्ट ना करे when you are opting to achieve something, right? So I'll see you soon in the next session. Till then, make sure that you make you believe that you can actually do it. You can do it. Good luck and thank you for watching.